प्राइम टाइम न्यूज का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट फोर। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि आज मेन्यू में स्पेशल क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में दीदी की नहीं चली, दादा चले संदेश खाली, और जब संदेश खाली दादा पहुंचे तो क्या हुआ, और ये किस तरीके से बहुत मार्मिक रहा यह भी मैं आपको बताऊंगा। यूपी में खंड खंड हुआ इंडी गठबंधन, कांग्रेस और सपा में कहां फंस गया पेच, और क्या अब ये पेच सुलझेगा भी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कश्मीर में मोदी की गारंटी पर मोहर, फारूक अब्दुल्ला भी बोले वाह मोदी जी वाह। पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और बिहार में जन विश्वास वर्सेस जेल यात्रा पिक्चर अभी बाकी है, आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह अहम खबर बता दूं, 24 का चुनाव नजदीक है। माना जाए जल्द ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है, और ऐसे में तमाम नेता जनता के बीच यात्राओं पर निकले हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज से जन विश्वास यात्रा पर हैं, और इस बीच बिहार के शिवहर में तेजस्वी के लिए तैयार किया गया मंच ही टूट गया। गनीमत रही कि तेजस्वी के वहां पहुंचने से पहले यह हादसा हो गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नेताओं का भाषण चल रहा है, तभी अचानक मंच भर भरा कर बिखर गया। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के और अपडेट्स आपको आगे देंगे, लेकिन यहां पर इन तस्वीरों को देख लीजिए और फिर आपको लिए चलते हैं आगे संदेश। ये शिवहर बिहार से आई हुई तस्वीरें, ओजस्वी भाषण चल रहा था कि अचानक मंच जवाब दे गया, वो जमीन खिसक गई जिस पर नेताजी खड़े हुए। लेकिन फिलहाल संदेश खाली में जो हुआ वो आपको जरूर जानना चाहिए। संदेश खाली को लेकर बंगाल की सियासत लगातार गर्म है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को फटकार के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचने में आखिरकार कामयाब रहे। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई। पीड़ित महिलाओं ने शुभेंदु से बयान किया अपना दर्द और उनके हाथों में राखी बांधी। संदेश खाली में आते ही सैकड़ों लोगों ने शुभेंदु से मुलाकात की। शुभेंदु के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोगों की सांस में सांस आई कि आखिरकार कोई तो है सुनने वाला उनके बीच में पहुंचा है, और आप देखिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा तक की गई। शुभेंदु अधिकारी जब यहां पहुंचे तो कुछ महिलाओं ने राखी भी बांधी। उनको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के तौर पर उनका सेवियर, उनका रक्षक उनके बीच में पहुंच गया। यहां पर आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन असल में यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, शुभेंदु अधिकारी यहां तक पहुंचने में आखिर कैसे कामयाब हुए, क्योंकि आपको मालूम है कई तरह के रोड़े आए, यहां तक कि कोर्ट के कह देने के बावजूद शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी डेलीगेशन को रोका गया। ये चार तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि जब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे तो वहां किस तरह की स्थिति थी। यहां किस तरीके से पहुंचे शुभेंदु ये भी देखिए। नाव के जरिए नदी पार करके शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। यहां जबरदस्त जनसैलाब नजर आया। स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर शुभेंदु का स्वागत किया, और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, और उनमें से कई ने शुभेंदु अधिकारी को अपना दर्द तो बताया ही, उनके हाथ में राखी बांधी। संदेश खाली में जो कुछ घटा है वो इस रिपोर्ट में हमने आपको समेटा है। कैसे आरोपी शाहजहां शेख का डर संदेश खाली में अभी तक बरकरार है, और जब शुभेंदु वहां पहुंचे तो कैसे हालात नजर आए, इस रिपोर्ट में देखिए। डर अभी खत्म नहीं हुआ है, डर अभी भी बाकी है। जो शाहजहां शेख है वो शाहजहां शेख अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ है, डर लग रहा है अभी भी डर खत्म नहीं हुआ, अभी भी डर बाकी है बहुत। साधन जब गिरफ्तार होगा तब डर खत्म हो जाएगा भाई। पूरे साधन को गिरफ्तार चाहिए। सिपू हजरा हो गया गिरफ्तार, उत्तम भाई हो गया गिरफ्तार, अभी साधन को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसके बाद सब डर खत्म। संदेश खाली में ये देखिए ये लोगों का देखिए उत्साह है, और पीछे आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे पीछे, और देखिए किस तरीके से, और ये देखिए पीछे जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों का जोश है वो यहाँ देखने में। तो हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद शुभेंदु अधिकारी के संदेश खाली पहुंचने का रास्ता साफ हुआ जब हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। आपको दिखाते हैं शुभेंदु के संदेश खाली जाने से पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ। यहां पर आपके सामने वो तमाम चीजें मैं आपको रखता हूं, क्या क्या हुआ संदेश खाली शुभेंदु पहुंचे उसके पहले। आखिरकार नंदीग्राम का योद्धा संदेश खाली पहुंच ही गया। कभी धरने पर बैठना पड़ा, कभी पुलिस की मार झेलनी पड़ी, तो कभी संदेश खाली जाने के लिए बोट से सफर करना पड़ा। संदेश खाली का सच जानने के लिए आज एक बार फिर खूब हंगामा और गहमा गहमी रही। कोई धरने पर बैठा, किसी को जाने से रोका गया, तो किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हलचल तेज दिखी। संदेश खाली टू कोलकाता जोरदार एक्शन नजर आया। एक तरफ इस हमले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज एक बार फिर धरने पर बैठे। दरअसल हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुभेंदु संदेश खाली के लिए निकले थे, लेकिन वो वहां पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस रोक के बाद बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता सरकार पर बड़ा हमला किया है। देखिए, सीरिया तो हम कभी गए नहीं, टीवी में देखे हैं, तो सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से, और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे शुभेंदु अधिकारी को रोकने के बाद शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठ गए। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में अपील की। इस अपील पर भी फैसला शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में आया। इसके बाद भी पुलिस के साथ घंटों तक बीजेपी नेताओं की बहस होती रही। हालांकि बाद में किसी तरह शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी गई। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, अब खुशी है? विशाल खुशी, शुभेंदु अधिकारी आस्ते। बिल्कुल, ये देखिए, ये महिलाओं की भीड़ है, ये उमंग है, और ये इन्हीं महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी इन्हीं महिलाओं से कि क्या दर्द था इन महिलाओं का। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार को संदेश खाली के मुद्दे पर घेरने में जुटी थी, दूसरी तरफ सीपीआईएम का डेलीगेशन भी संदेश खाली पहुंचा। सीपीआईएम नेता वृंदा करात भी इस डेलीगेशन के साथ संदेश खाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। करने वाले अपराधियों को आज आप साथ दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप भी महिलाओं की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका काम है गुंडा वाहिनी को कैसे बचाया जाए। इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि बंगाल पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी माना कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार शुभेंदु संदेश खाली जाना चाह रहे थे, लेकिन बंगाल प्रशासन ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। आज ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच में पहुंचा, जिसके बाद शुभेंदु वहां पहुंच सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की। आपको दिखाते हैं कि हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने क्या क्या कहा। असल में हाईकोर्ट पहले अपना ऑब्जर्वेशन दे चुका था कि भेजना चाहिए शुभेंदु अधिकारी को, जाने देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी पहुंच गई डिविजनल बेंच के पास और डिविजनल बेंच से उल्टे लताड़ पड़ी। क्या कहा गया? शुरुआती तौर पर यह साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, यह बात स्पष्ट कही गई। आरोप लगने के बाद से शाहजहां पुलिस की पहुंच से बाहर है, यह बात भी कही गई। चौंकाने वाली बात पाया डिविजनल बेंच ने कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अब तक पकड़ में नहीं आया, ऐसा कैसे संभव है? शाहजहां के खिलाफ एक भी आरोप सही है तो जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, और शाहजहां फरार नहीं चल सकता, राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं करती रह सकती। इस बात के सबूत हैं कि फरार शाहजहां ने लोगों को परेशान किया है, कोर्ट ने यह भी कहा। तो यह स्पष्ट बताता है कि कोर्ट असल में ममता सरकार के वर्जन से एकदम अलग अपना ओपिनियन रखता है, और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इसमें सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है, जैसा कि उनका कहना है कि राजनीति की जा रही है, ये असल में सच को सच कहा जा रहा है। ममता बनर्जी को अब ये बात स्वीकारनी चाहिए। संदेश खाली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके सामने रख रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी को महिलाओं ने राखी बांधी और संदेश खाली में अपना भाई बनाया। महिलाओं ने शुभेंदु को अपना दर्द बताया और अब अन्याय नहीं होगा, ये शुभेंदु ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया। शुभेंदु अधिकारी, आप जानते हैं, तमाम तरह की दुश्वारियों और परेशानी के बावजूद यहां तक कि पुलिस कर्मियों ने उनसे इस तरीके की बदसुलूकी की कि उनके साथ, उनका कहना था शुभेंदु अधिकारी का कि मुझको बूट मारा गया, मुझको जूतों से मारा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो सांसद रह चुका है, जो काउंसलर रह चुका है, जो विधायक रह चुका है, जो मंत्री रह चुका है, उसके साथ ही ये सब बर्ताव किया गया। आखिरकार आप जानते हैं कि कोर्ट की दखल के बाद आखिरकार शुभेंदु अधिकारी यहां पहुंचे। हालांकि उसके लिए भी उनको बोट के जरिए, जमीन के जरिए दुश्वारी से यहां पहुंचने को मिला, लेकिन आखिरकार जब वो यहां पहुंचे तो लोगों को भी राहत मिली और शुभेंदु अधिकारी को भी इस बात का संतोष होगा। लोगों ने उनको रात के राखी बांधी और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब और अन्याय नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देख लीजिए, एक दूसरी बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के संदर्भ में है। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजे को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी का घोषित परिणाम गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 8 वोट पड़े थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 8 वोटों को खराब करने का प्रयास किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित कर दिया। गौरव हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गौरव, तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से
जाहिर है जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं इसमें कोई धांधली नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाएगा और इस पर सियासत अब थम जाएगी, अब और तेज होगी? देखिए, सियासत अपनी जगह लगातार होती ही रहेगी क्योंकि तीन पार्षदों को जाहिर तौर पर भाजपा ज्वाइन करा दिया गया आम आदमी पार्टी के, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी वोटिंग को मान्य माना है और जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से नॉमिनेटेड काउंसिलर हैं और उन्हें इस चुनाव के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था, उनके कंडक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है। उनको अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि अनिल मसीह ने कहा था कि कोर्ट में अगर मैं गलत पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी वोटिंग का वीडियो देखा और उसके बाद कहा गया कि जान पूछकर अनिल मसीह ने जो है वो 8 वोटों पर 8 बैलेट पेपर पर लाइन खींचे, जिसके बाद से वो 8 बैलेट पेपर जो है वो खराब हो गए, डिफेस हो गए और इसके बाद ही जो है हंगामा किया गया आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा। और ये जो 8 बैलेट पेपर थे वो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे, ऐसे में इन 8 वोटों को मान्य मानने के बाद उनके पास 20 वोट है और सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का आदेश नहीं दिया, सीधे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जबकि इस मामले में एप्रीहेंशन के तौर पर एक याचिका भी दाखिल कर दी गई थी कि गड़बड़ी हो सकती है और यही वजह था कि वहां कैमरा लगाया गया था और बार बार अनिल मसीह जब ये गड़बड़ी कर रहे थे तो बार बार वो बैलेट पेपर में देखकर निशान बना रहे थे, डिफेस कर रहे थे नियमों के। गौरव, बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये तक कहा था कि उस समय असल में कैमरा में बार बार इसलिए देख रहा था क्योंकि शोर बहुत हो रहा था। जाहिर है ये लेम डक एक्सक्यूजेस थे जो कोर्ट ने जाहिर है जिनको विश्वास के काबिल नहीं माना और जो नतीजा है वो आपके सामने है। आगे आपको मैं बताने वाला हूं पीएम मोदी के जबरा फैन क्यों हुए फारूक अब्दुल्ला और क्या कहा उन्होंने, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो। देखिए इस वीडियो को जिसने भी देखा रोंगटे खड़े हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर की सूझबूझ से एक बच्ची की जान बच गई। मामला कर्नाटक के डोडबल्लापुर का है। एक बच्ची अचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के सामने आ गई, तभी ड्राइवर ने बच्ची को देख लिया और उसने स्टेयरिंग लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दी। कर्नाटक के उडुपी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने 6th मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने वाले छठ के हल्द्वानी में बनभूलपुरा से कर्फ्यू हटा लिया गया है। जिला प्रशासन ने हालत नॉर्मल होने के बाद पूरी तरह से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। बनभूलपुरा में एक अवैध मदरसे को गिराने के बाद हिंसा भड़की थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में भरे घी और तेल के पैकेट जमीन पर बिखर गए। फिर क्या था, लोगों में घी और तेल लूटने की होड़ मच गई। दरअसल फाइनेंस कंपनी ट्रक को रोककर चेकिंग कर रही थी, तभी ट्रक में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे ट्रक में भरे देसी घी के पैकेट बिखर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अचानक मौसम खराब हो गया और विमान हवा में हिचकोले खाने लगा। दिल्ली से श्रीनगर आने वाली इंडिगो की उड़ान हवा में डगमगाने लगी। तूफान की वजह से विमान आगे नहीं बढ़ पा रहा था। डर के मारे विमान में सवार यात्रियों की सांसें फूलने लगी। बताया जा रहा है कि यात्री प्रार्थना करने लगे। हालांकि कुछ देर बाद विमान ने रफ्तार पकड़ ली, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। और अब अगली खबर आपको बता दूं, यहां उत्तर प्रदेश से ये खबर जहां एनडी गठबंधन को फिर से झटके लगे। जैसे आपने अभी खबर देखी कि किस तरीके से वो जहाज हिचकोले खा रहा था, एनडी गठबंधन का ये जहाज भी लगातार हिचकोले खा रहा है और इसको तो फिर स्मूथ क्रूजिंग के लिए कहीं पर वेदर भी नहीं मिल रहा है। असल में अकेले चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से कोई जवाब नहीं मिला है। अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था और इससे कांग्रेस जो है वो संतुष्ट नहीं है और इसीलिए राहुल की यात्रा से अखिलेश ने दूरी भी बना ली। असल में उन्होंने ये भी कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले बात बन जाए, उसके बाद मैं इस न्याय यात्रा में हिस्सा लूंगा। और जाहिर है अब क्योंकि बात नहीं बन रही है तो फिर अकेला चलो रे की राह पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और न्याय यात्रा में जाने का अब सवाल नहीं है। अखिलेश का ये बड़ा फैसला है, उन्होंने 17 सीटें ऑफर की थी जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था और कांग्रेस को मंजूर नहीं था तो अखिलेश ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मंजूर नहीं है तो फिर हमें अकेले लड़ने दीजिए। समाजवादी पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से बात नहीं बनी है और राहुल की न्याय यात्रा से जाहिर है उन्होंने क्योंकि ये बात कह दी थी कि सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि अगर सीट शेयरिंग पर बात हो गई तो मैं न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा। यहां पर बात बनी नहीं क्योंकि जो 17 सीटें असल में समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर की गई थी उसके अतिरिक्त सीटें चाही जा रही थी वो स्पष्ट भी कर दिया गया था, लेकिन उस पर अखिलेश रजामंद नहीं थे, उन्होंने कहा हम अकेले चले। इस मामले पर समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने कुछ कहा, वो क्या है और कितना महत्वपूर्ण है जरा वो देखिए।
सपा कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है? समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोगों को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती हूं मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। एक तरह जहां सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने जो कहा है वो आपको देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी से चर्चा जारी रहेगी, कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से स्पष्ट कह रही है कि अगर आपको नहीं वो बात माननी जो हम कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अकेले चलेंगे। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के साथ हम बात करेंगे ये कांग्रेस कह रही है, मतलब इसका ये दिखाई देता है कि यहां समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा गरज में है कि इंडी गठबंधन काम करे, सीट शेयरिंग हो जाए। और अगर ऐसा है कि गरज आपकी है तो आपको वो बातें माननी चाहिए जो समाजवादी पार्टी कह रही है, लेकिन वो बातें आखिरकार मानी नहीं गई। Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. It will be finalized at any point of time. और जाहिर है गठबंधन में अगर हर किसी के सुर एक जैसे नहीं है, कोई कह रहा हम अकेले जाएंगे, कोई कह रहा हम तो बातचीत करेंगे, तो जाहिर है इसका मतलब यह है कि स्थितियां ठीक नहीं है। कहां पेच फंसा है वो भी मैं आपको बता दूं, वो सीटें जो चाही जा रही हैं वो भी मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर को लेकर यह पेच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को फुल एंड फाइनल करके उत्तर प्रदेश में 17 सीटों का ऑफर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की मांग करीब 2 दर्जन सीटों की थी, मतलब करीब करीब 24 से 25 सीटें वो चाह रहे थे, इन्होंने कहा हम 17 दे पाएंगे। लेकिन मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर में दोनों के बीच पेच फंस गया, दोनों को लग रहा था कि यहां से तो हमारा कैंडिडेट विनेबल है और वो दूसरे को बता रहा था कि नहीं हमारा अगर यहां से लड़ेगा तो जीतेगा, और दोनों को यह लग रहा था कि उसका कैंडिडेट ही जीतेगा, लिहाजा यहां से बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हमारी बातचीत अभी चल रही है, मतलब ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं कि अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक है वरना हम अकेले जाएंगे। अब आपको वो 17 सीटें भी दिखा देते हैं जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर की थी। अमेठी दी गई थी, रायबरेली दी गई थी, वाराणसी दी गई थी, अमरोहा से कहा था लड़ लीजिए, बागपत दी गई थी, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर दिया गया था, गाजियाबाद दे दिया गया था, बुलंदशहर दिया गया था, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज, ये वो सीटें हैं जो ऑफर की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कि यहां पर आप अपना कैंडिडेट फील्ड कर सकते हैं। और अगली खबर अब आपको बता दूं, राजा भैया और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की चर्चा है। राजा भैया से समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती है। राजा भैया से मिले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दोनों के बीच में 5 सीटों को लेकर चर्चा हुई। सोर्सेस बता रहे हैं कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी में 5 सीटों को लेकर गठबंधन संभव है। राजा भैया की पार्टी के साथ 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती है, और ये इशारे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया के साथ मुलाकात की। रायबरेली पहुंच गई है उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा। न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मैं काशी गया था, देर रात तक लोगों ने गाने बजाए, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में वाराणसी में। राहुल गांधी को वहां विश्वनाथ कॉरिडोर भी दिखाई दिया क्या? वहां पूजा अर्चना होने की आवाजें भी आई क्या? घंटी घड़ियाल भी उनको सुनाई दिए क्या? या उनको वहां पर कहीं पर किसी एक जगह पर कोई शराब पीकर नाचता हुआ व्यक्ति दिखा और उनको लगा कि समूचा उत्तर प्रदेश समाज पीकर उसका भविष्य नाच रहा है? बहरहाल ये आपने देखा। और अब देखिए, इधर
लालू के लाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा की। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरपुर की जनसभा से विरोधियों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी MY की पार्टी नहीं बल्कि बाप की पार्टी है, और इसके लिए उन्होंने दलील भी दी। तेजस्वी ने ये बाप कैसे जस्टिफाई किया है वो सुनिए। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगया, ए से आगे आबादी और पी से पुअर, पुअर बता गरीब। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञान के बारे में कहा, गीता में कहा, गीता के बारे में कहा, तो इधर से बाप उसकी उसके एक तरीके से बनाम बरक्स बाप लेकर आया गया है, और तेजस्वी नए फॉर्मूले ईजाद कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जन विश्वास यात्रा के बाद बड़ा खेला होने का दावा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी को जेल की तैयारी कर लेनी चाहिए। यात्रा, खेल यात्रा सफल नहीं हो सका, असफल हो गया। अब तो उनकी कोई यात्रा सफल होने वाली नहीं है। देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि ये खेला करने वाले लोग हैं, ये जनता के सुख और सुविधा को देखने वाले नहीं है। आवाज उठाने वाला कोई नहीं विपक्ष में। विपक्ष आज के दिन में मित्र प्राय हो गया है और जनता के बीच में गया है, क्योंकि इनको जेल यात्रा की तैयारी करनी से जनता की यात्रा में। तो तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में हुंकार भरी देखा आपने, उन्होंने कहा माए नहीं बाप की पार्टी है, तो शिवहर पहुंचने से पहले उनका मंच ही भर भर आ गया। यहां तस्वीरें आपको दिखाता हूं, शिवहर से आई इन तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। इन तस्वीरों को मैंने आपको प्राइमेट 4 में पहले भी दिखाया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से आपको यहां नहीं मालूम कि आपकी जमीन कितनी पक्की है और आप बातें कर रहे हैं और असल में आपके नीचे से जमीन खिसक जाती है, कहीं वैसा ही तो आप जनता के बीच में पहुंचकर नहीं कर रहे हैं। ये आरजेडी को इस वक्त देखना होगा। इंतजार कर रही है, दिख रहा है।